नमस्कार, नारायण क्लासेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम लोग जो लॉगरिथम वाला हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसी पे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। अगला तरीका है, अगला टाइप के क्वेश्चन जो है, आइए सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे चार क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई वर्ड है हमारा, इनको सिंप्लीफाई करना है। पहला देखिए लॉग एम स्क्वायर माइनस लॉग एम, दूसरा लॉग 24 माइनस लॉग 3, थर्ड क्वेश्चन जो है लॉग 32 प्लस लॉग 4 माइनस लॉग 16, और यहाँ पे लॉग 256 प्लस लॉग 1024 है ना। अब देखिए ध्यान से, किसी में भी बेस नहीं लिखा हुआ तो आप समझ लीजिए कि बेस आंसर क्या है हमारा 10 है। और मैंने बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं लॉगरिथम का, जो उसका जो रूल है उसको एक जगह जरूर लिख दें, जिससे हम आसानी से उस रूल का जो अप्लीकेशन है इसमें उसको आसानी से कर सकें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लॉग एम स्क्वायर माइनस लॉग एम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर है, बेस को आप छोड़ दीजिए, बेस का मतलब नहीं है, ठीक है। अब खाली हम इसके ऊपर नंबर्स लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एम पे स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये वाला फार्मूला लग जाएगा। पावर टू जो है ये आपके ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे माइनस लॉग एम, है ना। अब देखिए लॉग एम में कॉमन ले लें यहाँ पे, तो टू माइनस वन हो गया, टू माइनस वन वन आ जाएगा, यानी कि लॉग एम हमारा ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है। और यदि आपको कहीं पर लग रहा है कि नहीं कुछ गलती है तो उसे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर दिया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम नए नए वीडियोज़ लेकर आपको सामने आएंगे, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएँ, ठीक है, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए क्वेश्चन नंबर टू पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए लॉग 24 माइनस लॉग 3। अब देखिए 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, 24 को हम यदि या देखिए माइनस साइन है तो माइनस साइन का देखिए यहाँ फार्मूला है ना, यहाँ पे देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन है तो लॉग ए पर पावर एम बाई एन हो जाना है, यानी यहाँ पे कितना हो जाना है लॉग 24 बाई 3, ठीक है। और यहाँ 3 एट जा 24, यानी हमारा यहाँ क्या हो गया लॉग 8 हो गया। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन और यदि करना हो इसको सिंप्लीफाई तो लॉग 2 पे पावर 3, ठीक है, और 3 को यहाँ कर देंगे तो 3 लॉग 2, ये आंसर यहाँ भी छोड़ देंगे वहाँ भी आंसर सही होगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन को आ रहा तो और नीचे तक इसको कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें हम लोग यहाँ पे, थ्री में देखिए यहाँ पे आपका लॉग 32 प्लस लॉग 4 माइनस लॉग 16। अब देखिए यहाँ प्लस भी है माइनस भी है ना। देखिए प्लस पे हम देखिए पहले प्लस पे हम अप्लाई कर लें फार्मूला, है ना, तो लॉग 32 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ माइनस, या फिर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं करना चाहूँगा आराम से जो है, तो देखिए कैसे करते हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं लॉग 2 पे पावर 5, लॉग 4 को लिख सकते हैं लॉग 2 पे पावर 2, लॉग 2 पे पावर 4। यदि वाला फार्मूला हम लगा दें पावर वाला तो पावर हमारा इधर आ जाएगा, ये हो गया 5 लॉग 2, ये हो गया 2 लॉग 2, ये हो गया 4 लॉग 2, ठीक है। लॉग 2 सब में है, लॉग 2 कॉमन ले लीजिए आप, 5 प्लस 2 माइनस 4, 5 टू 7 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 लॉग 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। लॉग 256 प्लस लॉग 1024, ठीक है। अब देखिए नंबर थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे आराम से, है ना। फैक्टराइजेशन करने के बाद देखिए 256 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे, तो फैक्टराइजेशन देखिए कर लेते हैं एक बार। 1 2 4 8 16 4 12 sorry 2 6 12 2 4 8, फिर 32, फिर 16, 8, 4, 2, 1,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 2 पे पावर 8, लॉग 2 पे पावर 8 प्लस 1024 को भी करना चाहें, 5 जार 10, 1 2 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, और आपका देखिए 256 फिर आ गया, मतलब कि 3 और बढ़ जाएंगे इसमें, मतलब 8 है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉग 2 पे पावर 11, है ना? नहीं नहीं 11 नहीं होगा क्योंकि 256 तो 8 तक है ही, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब यहाँ पे लॉग पे पावर 2 पे पावर 10 हो जाएगा। आ जाइए बड़े आराम से देखिए, यहाँ पे 8 log 2 हो गया प्लस 10 log 2 हो गया, log 2 log 2 हमारा सेम हो गया, हम कॉमन लेके इसको कर सकते हैं, तो 10 प्लस 8 18, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 18 log 2, ये आपका आंसर आ गया, है ना? अब देखिए अब लॉग का क्वेश्चन अब आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम इजी वे में हो जाएगा आराम से, है ना? और बड़े आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स पे उसका स्क्रीन शॉट लेकर उसको सेंड कर दें, जिससे कि मैं उसको सही तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तब तक अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को गुड बाय।